हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रांस वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके पैड्स वगैरह ठीक से होंगे। आज मैं ऑस्कर का 4 फिट वाला टैंक बिल्कुल रेडी कर दूंगा और उसके अंदर ऑस्कर अकार और सेवरॉन को छोड़ दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखेगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ इस टैंक का रॉक। अरे भाई खाना नहीं ले रहा हूँ, हमने ले लिया रॉक। बहुत भारी हो रही थी, उठाने में मुश्किल होती है, देखना पड़ता है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई रॉक निकाल के रख दिया मैंने और ऑस्कर का नया टैंक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब मैं ये रॉक उठा के इसके सेंटर में प्लेस कर देता हूँ, जो कि मैंने थोड़ी सैंड हटाई हुई है। इसी वजह से हटाई हुई है कि इसके नीचे एक टनल नुमा बना हुआ है, तो उससे हमें ये होगा कि नीचे से अकारा वगैरह छुप सकती है, कोई दूसरी फिश छुप जाके छुप सकती है एग्रेशन वगैरह से बचने के लिए। तो अब मैं ये रॉक रख देता हूँ। अब मैं कैच कर लेता हूँ अपनी सारी फिशेस को, जिसको मुझे ट्रांसफर करना है एक 4 फिट टैंक के अंदर। तो ये तो टैंक हो गया बिल्कुल खाली खाली सुना सुना, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला वो जल्दी से पूरा हो जाए। फ़िलहाल ये फिशेस मैं निकाल चुका हूँ और फिशेस आप देख सकते हैं सारी इधर अभी थोड़ा स्ट्रेस में। आप साइज़ देखें यार, इतनी बड़ी ऑस्कर मैं नहीं लाया था, जितना बड़ा इसका साइज़ हो चुका है। मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, आ जाए बस हाथ में मेरे। पहले सच बताऊं तो मुझे इतना डर लगता था ना फिश को हाथ में लेते हुए, लेकिन अब जाके माशाल्लाह से मैं मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। ये देखें इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। अभी जो ये वाली ऑस्कर है ना, ये इन सब में सबसे छोटी है, बाकी ऑस्कर जो हैं वो अच्छे साइज़ में काफ़ी। ये भी अच्छा साइज़ हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा साइज़ हो गया है। अब इनको मैं इनके नए टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती है मेरी फिशेस। तो इनके नए टैंक की बात करें तो देखें सेम ही है, इनको स्टोन तो वही मिल जाएगा जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनका ऑलरेडी मौजूद है। सैंड बस चेंज हुआ है और साइज़ चेंज हो गया, क्योंकि यार ये ऑस्कर जो है बड़ी फिश है और अकारा जो है वो जंप करती है, जिसकी वजह से मेरी एक अकारा मर भी गई। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई आप इसका टैंक सेटअप चेंज कर देना चाहिए। और इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि इस टैंक के साथ साथ मेरे पास ये ऊपर का कवर है, तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि इसमें मैं अकारा डाल दूँ, बाकी और अकारा भी डाल देता हूँ तो कोई इतना मसला होने वाला नहीं है। और बड़ा टैंक है तो ऑस्कर भी अच्छा ग्रो होगा, अकारा भी ग्रो होगा और सेवरॉन भी ग्रो होगा। और इन फ्यूचर जैसे जैसे हमें कोई भाई पैसा आया, बजट अच्छा हुआ, तो हम जाके इस टैंक के लिए कोई इसके टैंक मेट्स के हिसाब से ऑस्कर के हम इसमें कोई ना कोई फिशेज़ तो डालते ही रहेंगे। तो अब बारी है भाई इसके अंदर मैं अपनी फ़िशेज़ को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूँ, वन बाय वन करके उसको टाइम लैप्स पे लगाता हूँ। अब मैं चला देता हूँ फिल्ट्रेशन, क्योंकि फ़िश को अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है तो फिल्ट्रेशन ऑन करना सही बात हो जाएगी। और इसका अभी वाटर थोड़ा सा क्लाउडी है, वो दरअसल मुझे यही लग रहा है कि इसके ग्लास का मसला है, लेकिन थोड़े टाइम में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लेकिन वाटर जो है ये 100% साइकिल है और उम्मीद है कि हमारी इसमें फिशेज अच्छी तरह रहेंगी। तो इनको थोड़ा मैं कम्फर्टेबल होने देता हूँ, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, उसके कुछ देर के बाद आपको इनकी वीडियो वगैरह बना के दिखाता हूँ। और हाँ सबसे मेन भाई, तो ये हम इसका कवर रख देते हैं जिससे ये होगा कि जंप वगैरह करती हैं, क्योंकि अक्सर जब भी कोई नए टैंक सेटअप में अकारा को डालते हैं तो अकारा तो जंप करती ही करती है। तो भाई टैंक हो गया हमारा सिक्योर, बस थोड़ी सी इसमें लाइट थोड़ी सी डिम हो गई है, लेकिन अच्छा है, इन्हीं का फ़ायदा है यार। अगर मैं ये खुला रखूँगा तो जंप कर जाती थी, जैसे मेरी अकारा पहले मर चुकी है, तो अब इंशाल्लाह इसके अंदर कोई जंप करने से तो नहीं मरेगा। बाकी आपको थोड़ी देर इनको रिलैक्स होने देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इन लोग के शॉर्ट्स लेके दिखाता हूँ। लेकिन मैं इस पर पहले इसमें थोड़ा मिथिलाइन डाल देता हूँ, क्योंकि मेरी फिशेस जो हैं मुझे थोड़ा लग रहा है कि स्ट्रेस में आ गई हैं, तो मैं मिथिलाइन डाल देता हूँ जिससे इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मामूली सा मैं डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा।
उसके बाद जब ये थोड़ा मिथिलाइन डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, तो फिर उसके बाद जाके मैं दिखाता हूँ। तो गैस माशाल्लाह से फिशेस मेरी कंफर्टेबल हो चुकी हैं और बाकी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये मुझे फेड इसमें लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ऊपर जो मैंने इसके कवर लगाया है, इस कवर की वजह से थोड़ी सी लाइट इसमें कम आ रही है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर मैं लाइट मज़ीद और ऐड करूँगा। बाकी फिशेस देख सकते हैं आप सारी कंफर्टेबल हो चुकी हैं, जो उनको एक जगह जो नीचे टनल जैसी जगह है वो नज़र आ रही है तो उधर जा रही हैं, और अकारा भी कंफर्टेबल हो गई है और सबराम भी देखें माशाल्लाह से, और अगर इधर दिखाऊं ऑस्कर तो माशाल्लाह सेट हो गई है। ये नीचे से देखें सबराम निकली है और ऑस्कर अब बड़ी हो गई है तो उधर से नहीं क्रॉस कर सकती है। बाकी अकारा को देखें, अभी दरअसल इनका एक नया सेटअप हुआ है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में तो आएगी फिश, क्योंकि उसको एक ब्लैक बैकग्राउंड की बल्कि ब्लैक सबस्ट्रेट की आदत हो गई थी तो, लेकिन अभी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। देखें स्टोन तो इनका वही है। और बाकी ऑस्कर दिखाता हूँ, यह ये सिर्फ करने का मकसद ही मेरा सिर्फ यही था, क्योंकि ऑस्कर हो रही हैं बहुत जल्दी जल्दी बड़ी, और इस उस टैंक के अंदर, जैसे कि वो टैंक था इनका, उस टैंक के अंदर इस ऑस्कर बड़ी हो जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तभी मैंने कोशिश की कि अभी ही इनका बड़ा सेटअप कर दूं, क्योंकि बार बार सेटअप चेंज करना भी फिश को स्ट्रेस में लाता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, तो इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला अभी तक तो माशाल्लाह सही जा रहा है। और इसके अंदर एक गुड साइन ये भी हो जाएगा कि मैं मज़ीद और फिशेस भी जमा कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें मज़ीद अकारा डाल सकता हूँ, जो अकारा ऑस्कर और इसे अवराम के टैंकमेट्स होगा वो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी लुक आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि कैसी लग रही है मेरी इस टैंक की लुक आप लोग को, बस थोड़ा सा लाइट का कम मुझे महसूस हो रही है, तो इंशाल्लाह मेरे पास एक एक्स्ट्रा लाइट रखी हुई है तो मैं उसको इधर उसके साथ ही लगा लूँगा, तो उससे ये हो जाएगा कि इसके अंदर रोशनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और फिशेस के कलर मेरे ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। और जैसे कि अकारा को देखें आप, अकारा के कलर इसमें भी अच्छे लग रहे हैं। अकारा का मुझे सिर्फ यही कलर्स की वजह से इतनी अट्रैक्टिव लगने लगी ना, मेरी फेवरेट फिशेस में से हो गई है अब अकारा। और अब देखें इनका टैंक स्पेस बड़ा हो गया है तो इतना कोई इनको अब लड़ाई झगड़े का सीन नहीं होगा, और बाकी ये कि अब कंफर्टेबली इसमें रहेंगे, और उम्मीद है कि जितना बड़ा टैंक होता है ना उतनी जल्दी फिश ग्रो होती है, तो हमारी फिशेस भी बहुत जल्दी ग्रो होंगी सेटअप के अंदर, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन इसमें मैंने वो इस्तेमाल की थी, लेकिन वो जो फ़िल्ट्रेशन था ना पावर हेड, उससे पानी में आ रहा था करंट, क्योंकि वो पुराना हो चुका था, पुराना होने की वजह से उसके तार वार कट गए थे या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से वो मार रहा था करंट, तो मैंने कहा इससे तो भाई मेरी फिशेस मर भी सकती हैं, और ये पावर हेड इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है, तभी मैं स्पंज फिल्टर ही हमेशा यूज़ करता आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई कलर का करल बोल रहा हूँ, कोई करंट का सीन आए मेरे टैंक के अंदर, कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे बेहतर है कि भाई आप एक बड़ी सी मोटर लें एयर पंप वाली, उसके ज़रिए आप स्पंज फिल्टर वगैरह यूज़ करें, तो उससे बेहतरीन रिजल्ट भी आता है, और बस थोड़ी सी आपको मेहनत ही करनी होती है, नीचे से आपको साइफन करना पड़ता है। और मुझे ये वाली सैंड जो है ना, ये थोड़ी इस वाली सैंड के मुकाबले में ये थोड़ी सी वाइटिश है, वो वाली जो थोड़ी येलो है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक दो बैग और ले लूँ इस वाली सैंड के, उसको अच्छी तरह वॉश करके हम इसके ऊपर एक और लेयर कर देंगे। और हाँ गाइज, ये फ्लावर हॉर्न मैं सील कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे किसी सब्सक्राइबर को चाहिए तो मैं उसको 4000 के अंदर दे दूँगा। ये SRD मैग्मा क्रॉस है और बहुत अच्छे पैटर्न में, मैं आपको उसकी पैटर्न दिखा दूँ, जो मेरा कोई सब्सक्राइबर लेना चाहता है भाई तो मुझे ज़रूर बताए, मैं उसको सेल कर दूँगा। इसको आप एक नज़र देख लें, इसके पैटर्न वगैरह बहुत खूबसूरत फिश है ये। और इस टैंक को जब ये जब फिश सेल हो जाएगी तो इस टैंक के अंदर मेरे प्लांटेड करने का इरादा है इंशाल्लाह, मेरे एक सब्सक्राइबर की बहुत डिमांड आ रही है, वो कह रहे हैं कि प्लांटेड करें, तो भाई मैंने सोचा कि इसको सेल करके हम इसको प्लांटेड बनाएंगे और इसके अंदर गप्पीज हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी भाई हमारी फिशेस तो माशाल्लाह इसमें कंफर्टेबल हैं, तो इसको ये एक दो दिन में और कंफर्टेबल हो जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह कि हम इसमें और भी फिशेस ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, इतनी जो उसकी चेंजेस वगैरह थी, या उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।